हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 9 बायो मॉलिक्यूल्स जो है राइट, उस चैप्टर का हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा था। अब हम आगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, उसमें हम डिस्कस कर रहे थे, अगेन हम इंट्रोडक्टरी पार्ट पे आएंगे कि बायो मॉलिक्यूल्स राइट। तो बायो मॉलिक्यूल्स क्या है? तो बायो मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलते हैं, उसे हम बायो मॉलिक्यूल्स कहेंगे। जिसमें हमने ये जो बायो मॉलिक्यूल्स को एनालाइज करने के लिए जो है मॉर्टल एंड पेस्टल मेथड डिस्कस की थी, देन डिस्ट्रक्टिव मेथड और एस मेथड के बारे में डिस्कस किया था। फिर हमने देखा था कि जो बायो मॉलिक्यूल्स है वो इकट्ठा क्या करते हैं। तो वो पहले सिंगल ही मॉलिक्यूल्स दूसरे के साथ रिएक्ट होकर डिफर कंपाउंड्स बनाते हैं, जिसमें वो एल्डिहाइड, कीटोन्स राइट, कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स, ऐसे डिफरेंट काइंड ऑफ ग्रुप, अगर हम केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू बात करें तो। बट वही सारी चीजों जो है अगर हम बायोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू बात करें तो वो बन जाएंगे अमीनो एसिड्स राइट, देन कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, फैट, नाइट्रोजन बेस राइट। तो वो सारे जो है वो हमारे अंदर डिफर कंपाउंड्स के फॉर्म में बनेंगे। ओके तो यहाँ पे हम ये जो डिफर बेसिकली बायो मॉलिक्यूल्स जो है उसके बारे में डिस्कस करने वाले थे, जिसमें हमने कहा था कि बायो मॉलिक्यूल्स जो है उसमें हमने अमीनो एसिड्स वन काइंड ऑफ बायो मॉलिक्यूल्स है उसके बारे में देखा, लिपिड वन काइंड ऑफ बायो मॉलिक्यूल्स है हमने उसके बारे में भी डिस्कस किया। देन हम आगे बात करें तो जो नाइट्रोजन बेस है वो हमने सेकेंड वीडियो में देखा, वो भी वन काइंड ऑफ बायो मॉलिक्यूल्स है राइट। तो स्टूडेंट, बायो मॉलिक्यूल्स यानी कि आपके माइंड में इतना क्लियर है कि मॉलिक्यूल्स तो बायो मॉलिक्यूल्स के बारे में हम बात कर रहे थे। तो कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, नाइट्रोजन बेस, ये सारे बायो मॉलिक्यूल्स है राइट। स्टूडेंट, ये जो बायो मॉलिक्यूल्स है राइट, कि हमने अमीनो एसिड्स के बारे में भी देखा, लिपिड के बारे में देखा, नाइट्रोजन बेस के बारे में देखा, तो ये बायो मॉलिक्यूल्स की है बहुत सारे हैं, बट वो भी डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड होते होंगे। हाँ, तो यहाँ पे हम आज जो बायो मॉलिक्यूल्स के टाइप्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली बायो मॉलिक्यूल्स आर डिवाइड इनटू मेनली टू टाइप्स, माइक्रोमोलिक्यूल्स एंड मैक्रो बायो मॉलिक्यूल्स। ओके, यहाँ पे आपको नेम से आइडिया आ रहा होगा, माइक्रो यानी कि लिटिल, मैक्रो यानी कि बड़ा राइट। तो 8 डाल्टन से आप यहाँ पे 800 डाल्टन तक का क्या हो कि अगर मॉलिक्यूलर वेट हो राइट, तो उसे हम कहेंगे माइक्रो बायो मॉलिक्यूल्स। ओके, अगर 18 डाल्टन टू 800 डाल्टन आपको जो है मिलेगा मॉलिक्यूलर वेट, ओके, तो हम उसे माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहेंगे। और आगे मैक्रो क्या होगा, तो 1000 डाल्टन से अगर 1000 डाल्टन हो या उससे ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट हो तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम कहेंगे बायो मॉलिक्यूल्स राइट। तो स्टूडेंट, अब इसने माइक्रो एंड मैक्रो में उसके एग्जाम्पल्स किया है। ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट हमने बात की थी अमीनो एसिड्स की राइट। अमीनो एसिड्स का जो बेसिक स्ट्रक्चर आपने पढ़ा है, आपको याद है, इस सब्स्टिट्यूएंट ऑफ द मीथेन यानी कि मीथेन की तरह उसके पास 4 वैलेंसी है राइट। एक तरफ अमीनो ग्रुप है, एक तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप है राइट, एक तरफ हाइड्रोजन है और यहाँ पे रहता है आर ग्रुप। R ग्रुप मीन्स वेरिएबल ग्रुप राइट। यहाँ पे स्टूडेंट 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड होते हैं राइट मेनली, वैसे तो दूसरे भी बहुत सारे होते हैं, बट आप देखो तो हमारे बॉडी के अंदर जो प्रोटीन बनता है राइट, तो प्रोटीन का स्ट्रक्चरल यूनिट जो होता है, जो प्रोटीन बनता है उसका बेसिक यूनिट प्रोटीन अमीनो एसिड होता है राइट। तो यहाँ पे उस 20 अमीनो एसिड में से ही प्रोटीन बनता है, किसी भी वो एनिमल हो या प्लांट हो या एक बैक्टीरिया हो, किसी के भी अंदर ये 20 अमीनो एसिड्स में से ही प्रोटीन बनता है राइट। तो वो यहाँ पे कोई भी हो सकता है। हमने लास्ट अमीनो एसिड पढ़ा था, आपको तो दिखा था ना कि
एच भी हो सकता है, सी एच भी हो सकता है, या हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे आर जो है वो वेरिएबल है, राइट। तो अमीनो एसिड इज अ सिंगल यूनिट, सो इट इज प्लेस इन टू माइक्रोमोलिक्यूल्स। उसी तरह से हम बात करें तो आगे जाके हम बात करें तो लिपिड में हम देखें तो ग्लिसरॉल, राइट। देन आगे हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में, आपको पता है कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? हाँ, तो कार्बोहाइड्रेट सुगर से बना होता है जो कि कॉम्प्लेक्स थिंग है। अगर ये कॉम्प्लेक्स थिंग है तो इसका सिंपल फॉर्म क्या है? फॉर एग्जांपल हम ले लें एक मोनोमर, मोनोमर फॉर्म में एग्जांपल ले तो ग्लूकोज, या इसे आप कह सकते हो कि मोनोसैकेराइड, ओके मोनोसैकेराइड, यानी कि सिर्फ एक ही शुगर, राइट। मींस कि जो स्ट्रक्चरल यूनिट होंगे एक होगा, वो जाएगा माइक्रोमोलिक्यूल्स में, और जो मोर देन वन होगा, जैसे कि एक अमाइनो एसिड, बट एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड के साथ क्या बनाता है? अटैच होके एक चेन लाइक स्ट्रक्चर जो बनता है प्रोटीन। प्रोटीन को स्टूडेंट पॉलीपेप्टाइड्स भी बोला जाता है, पॉलीपेप्टाइड्स, राइट। ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ एक से ज्यादा है इसलिए पॉली, एंड पेप्टाइड मीन्स ये बॉन्ड होते हैं ना, से वो एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड के साथ पेप्टाइड बॉन्ड से अटैच होता है, सो दैट इज अ नोन एज अ पॉलीपेप्टाइड, ओके। अब आगे हम बात करें तो जो लिपिड होता है, राइट, तो लिपिड भी फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल के बहुत सारे यूनिट से बनता है, राइट। हाँ, तो स्टूडेंट आपको भी पता है कि लिपिड तो क्या चीज है? कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है ना, बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। आप लिपिड को देखोगे ना तो लिपिड का जो मॉलिक्यूलर वेट एंड गो वो जो होता है वो 800 डाल्टन होता है। सो अगर इसका मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन है तो फिर उसे क्यों मैक्रो में रखा गया है, राइट। हाँ, आप भी सोचो कि हमने अभी डिस्कस किया कि जो लिपिड है, लिपिड जो है वो क्या है, तो अगर सॉरी हमने अभी ये डिस्कस किया कि जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, राइट, कि अगर उसका जो मॉलिक्यूलर वेट 18 डाल्टन टू 800 डाल्टन जितना हो तो वो माइक्रो में जाएगा, और जिसका 1000 डाल्टन होगा और उससे ज्यादा होगा तो वो मैक्रो में जाएगा। तो यहाँ पे लिपिड क्यों मैक्रो में है? बिकॉज ऑफ आपने देखा होगा कि लिपिड स्टडी किया है, उसमें आपने देखा कि उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल से बना होता है, राइट। उसके अलावा आपने देखा होगा तो लिपिड इजीली सॉल्युबल इन वाटर, नो, राइट। हम किसी भी फैटी मटेरियल के बारे में बात करें, उसे मिक्सअप करें, ग्राइंड करें, तो वो क्या रह जाता है? वो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ही रहता है। The student, हम लिपिड के बारे में बात कर रहे थे, जो लिपिड है अगर हम उसे क्या करें तो मिक्स करें, राइट, वाटर के अंदर, तो क्या वो सॉल्युबल होगा? नो। लिपिड ऑल्सो जो होता है वो सम ऑफ द एसिड्स के अंदर भी, फॉर एग्जाम्पल हम किसी टिश्यूज या सेल की मेम्ब्रेन ले लें, उसे एसिड में सॉल्युबल करने की ट्राई करें, बट वो इजीली सॉल्युबल नहीं होता है। वो क्या होता है? तो ऐसे छोटे छोटे वेसिकल्स फॉर्म हो जाते हैं, राइट। सो स्टूडेंट, वैसे तो बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर वेट, राइट, उसे हमें रखना चाहिए माइक्रो में, बट इसकी जो प्रॉपर्टीज है, राइट, क्योंकि वो एसिड भी इनसॉल्युबल है, आपको उसमें भी जो है प्रॉपर सॉल्युबलनेस प्रॉपर्टी नहीं देखने को मिलेगी, राइट। सो दैट जो है लिपिड है वो मैक्रोमोलिक्यूल्स में रखा गया है, बट इट इज नॉट अ स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल्स, राइट, बिकॉज ऑफ देयर मॉलिक्यूलर वेट इज लेस देन 1000 डाल्टन, ओके। इतना क्लियर है तो आपको मैक्रो एंड माइक्रो क्लियर है, और उसमें जो लिपिड का एक्सेप्शन है वो क्लियर है कि लिपिड का एक्सेप्शन किस क्यों है? तो वैसे तो है लोअर मॉलिक्यूलर वेट, बट इसकी जो प्रॉपर्टीज है
वो वाटर इनसॉल्यूबल है, समुद्र एसिड इनसॉल्यूबल है, वेसिकल्स फॉर्म होते हैं जब हम एसिड में करते हैं, इनसॉल्यूबल फ्रैक्शन वेसिकल्स मिलते हैं, राइट। सो दैट अब स्टूडेंट हम बात करें, यहाँ पे प्रोटीन है इसका एग्जाम्पल मैक्रोमोलिक्यूल्स का, देन हमने जो ग्लूकोज लिया, ग्लूकोज इज अ सिंगल शुगर, शुगर में भी क्या होता है स्टूडेंट समझो, तो एक शुगर है राइट, तो वो शुगर का स्ट्रक्चर होता है, चलो हम ले लेते हैं, इसे कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, कार्बोहाइड्रेट यानी कि क्या शुगर, उसमें आपको कार्बोहाइड्रेट यानी से अनदर वर्ड में आप सैकेराइड्स भी कह सकते हो, मीन्स शुगर जो कि मोनो सैकेराइड होती है, देन डाई सैकेराइड, देन पॉली सैकेराइड। यहाँ पे डाई की जगह स्टूडेंट हम ऑलिगो सैकेराइड वर्ड भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मोनोसैकेराइड मीन्स सिंगल शुगर, तो इसका एग्जांपल ले कि हमारे बॉडी में ऑफकोर्स कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट फॉर्म में शुगर आपको देखने को मिलेगी, बट हमारा जो ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स में आपको शुगर फ्लोट होती हुई देखने को मिलेगी, राइट। तो यहाँ पे जो मोनोसेकेराइड है उसका एग्जाम्पल है ग्लूकोज, यानी कि एक सिंगल शुगर। ओके, आगे हम बात करें ग्लूकोज एंड लैक्टोज जो है एक दूसरे के साथ जॉइंट होके बनाती है गैलेक्टोज, जिसे हम डाइसेकेराइड्स भी कह सकते हैं। समझ, यहाँ पे स्टूडेंट ऑलिगोसेकेराइड इसलिए बोला है क्योंकि इसमें आपको थ्री या फोर्थ की एक शॉर्ट चेन लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल सकती है, शो दैट इज नोन एज अ ऑलिसेकेराइड। पोली यानी कि आपको तो पता ही है, मैनी मोर देन टू एंड मोर लॉन्ग चेन लाइक स्ट्रक्चर नोन एज अ पॉली सेकेराइड। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे माइक्रो एंड मैक्रो में इतना तो आपको क्लियर हो गया, जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर प्रजेस्ट करता है, जो चेन बनाता है, राइट, हो गया मैक्रो में, और जो एक सिंगल सिंगल यूनिट होता है, अमीनो एसिड अकेला है, ग्लिसरॉल अकेला है, ग्लूकोज अकेला है, मोनोसैकेराइड सिंगल है, राइट। तो जो भी सिंगल ही होंगे वो जाएंगे माइक्रो में। ओके, अब स्टूडेंट हम आगे चलते हैं, अनदर टॉपिक है प्राइमरी मेटाबोलाइट्स एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। स्टूडेंट यहाँ पे है ना, इस थियोरी में समझना बहुत इजी है, प्राइमरी यानी कि जो बेसिक होता है, राइट। तो स्टूडेंट हम सभी जानते हैं कि हमारे जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि हमारी जो बॉडी है वो केमिकल से बनी हुई, जिसमें आपको कार्बन नाइट्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन पोटेशियम मैग्नीशियम कैल्शियम सारे केमिकल्स, ये सारे एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं, जो कि एक दूसरे के साथ प्रोसेस करके हमारी पूरी बॉडी बनाती है, यानी कि हमारा बॉडी का एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाने में जो भी है वो हमारे होते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। बट हमारे बॉडी में जो है सारे वो तो सिर्फ हमारे बॉडी के पार्ट्स बनाते हैं और हमारे बॉडी का नॉर्मली फंक्शन करता है। बट आप देखो तो सम ऑफ द जो प्लांट्स होते हैं, फंगी है, राइट, आपने देखा होगा, तो आपको भी पता है कि पेनिसिलिन नॉटेडम में से एंटीबायोटिक बनाई जाती है पेनिसिलिन, राइट। तो यहाँ पे अगर हम फंगी की लाइफ साइकिल देखें तो उसके लाइफ साइकिल में, उसके स्ट्रक्चर्स में या कहीं जगह पे भी पेनिसिलिन का यूज कहाँ पे हमें वही पता नहीं एग्जैक्टली, अभी तक वो पता नहीं चला है, वो उसके प्राइमरी तो यहाँ पे स्टूडेंट हम ये जो पेनिसिलिन है उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। पेनिसिलिन नॉटेटम में से जो एंटीबायोटिक पेनिसिलिन मिलती है, राइट, तो पेनिसिलिन का उसके लाइफ में कहीं पे भी यूज नहीं है, राइट। हम जैसे कि पूरी एक लाइफ जी रहे पर हम कोई स्पेशल चीज नहीं बनाते, लेकिन आपने प्लांट में देखा होगा तो प्लांट में से रबर मिलता है, गम मिलता है, अल्कलॉइड्स मिलते हैं, राइट, जिसे हम डिफरेंट ड्रग्स बनाते हैं, राइट, इसके अलावा परफ्यूम्स बनाते हैं,
ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो इसकी लाइफ में उसे कहीं पे खुद को प्लांट को भी यूज नहीं आती है, राइट। तो अभी तक रिसर्च स्टूडेंट चल रही है कि ये जो चीज है उसका यूज कहाँ पे होता है, राइट। तो यहाँ पे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या है वो पता चल। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स यानी कि इसके जो नॉर्मल लाइफ में, जैसे कि हमने हमारा ह्यूमन का एग्जाम्पल कि जिससे पूरी बॉडी बनी होती है, जिससे वो अपना लाइफ सस्टेन करता है, बट उसके अलावा जो एडिशन होना उसे कहते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ओके, जिसमें हमने अभी डिस्कस किया सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में ड्रग्स आ जाएंगे, रबर्स आ जाएंगे, परफ्यूम्स के जो बनाते हैं उसके जो हम प्लांट में से जो केमिकल्स एक्सट्रैक्ट करते हैं, राइट। अल्कोहल्स जो है, टर्बेनॉइड्स जो है, फ्लेवोनॉइड्स जो है, वो सारी चीज, ऐसे बहुत सारी चीज आपको स्टूडेंट मिलेगी कि प्लांट को या एनिमल्स को नहीं चाहिए होती फिर भी वो डेवलप करते हैं, उसे हम कहते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। मेटाबोलाइट्स यानी कि वन काइंड ऑफ केमिकल्स, राइट, जो कि बायो मॉलिक्यूल से बना है। ओके स्टूडेंट, अब स्टूडेंट हम वापस यही पे आते हैं कि आपको प्राइमरी और सेकेंडरी क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे चलते हैं, तो बायो मॉलिक्यूल्स में माइक्रो एंड मैक्रो तो आपको क्लियर है। अब स्टूडेंट हम आगे वन बाय वन हमने अमीनो एसिड के बारे में डिस्कस किया। स्टूडेंट वहां पे हमने वो डिस्कस नहीं किया था, बट स्टूडेंट कि अमीनो एसिड जो है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द प्रोटीन, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ प्रोटीन मींस क्या होगा। तो देयर आर 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड होते हैं, कितने 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड जो एक दूसरे के साथ ऐसे क्या करते हैं अटैच होके एक चेन बनाते हैं, और वो चेन को हम कहते हैं प्रोटीन। ओके, तो कितने, देयर आर 20 टाइप्स ऑफ प्रोटीन, बट सम ऑफ द टाइम स्टूडेंट ये अमीनो एसिड्स जो होते हैं तो क्या होता है उसके भी प्रोटीन्स के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, क्योंकि सम ऑफ द टाइम एक जैसा, फॉर एग्जांपल ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड से चेन बनी है, तो सारे ट्रिप्टोफैन ही है, सारे ट्रिप्टोफैन, यानी कि इसे कहा जाता है होमोपॉलीमर। बट यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे एलानाइन है, सारीन है, ग्लासिन है, ल्यूसिन है, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ, यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स, तो उसे हम कहेंगे हेटेरो प्रोटीन। ओके, और हेटेरो पॉलीमर। ओके, यहाँ पे होमो पॉलीमर, क्लियर। कि प्रोटीन के बारे में बात करें तो प्रोटीन का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है, तो वो अमीनो एसिड्स है। अमीनो एसिड्स कितने टाइप के होते हैं, तो वैसे तो बहुत सारे हैं जो कि डिफरेंट जगह पे काम करते हैं, बट एनिमल हो या प्लांट हो सब में 20 डिफरेंट टाइप्स के अमीनो एसिड्स जो है वो प्रोटीन बनाते हैं, राइट। वो होमो के फॉर्म में हो सकते हैं या हेटेरो फॉर्म में हो सकते हैं। स्टूडेंट प्रोटीन के बारे में बात करें तो इतना तो पता है, राइट, प्रोटीन किससे बना वो पता चल गया, उसे हमने आगे भी डिस्कस किया। इसे पॉली पेप्टाइड्स भी कहा जाता है। पेप्टाइड्स क्यों, यहाँ पे जो बीच में बॉन्ड बन रहा है वो पेप्टाइड बॉन्ड होगा। अब स्टूडेंट हम उसके फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रोटीन, अब तक जो आपने बायो में पढ़ा वहां पे देखा आपने कि प्रोटीन्स जो होते हैं हॉर्मोन्स जो बनाते हैं वो प्रोटीन से बने होते हैं, राइट। इसके अलावा हमारे बॉडी में जो हमें प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं एंटीबॉडीज, वो भी प्रोटीन से बने होते हैं, यानी कि हमें प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं, राइट। हमारे बॉडी का जो केमिकल वर्क हॉर्मोन्स के थ्रू होता है वो भी प्रोटीन करते हैं। उसके अलावा हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस किया था। ओके, तो उसके अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन फंक्शन होता है उसके लिए वो ट्रांसपोर्टेट के लिए क्या बने होते हैं, तो वो ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस के लिए स्पेशलाइज टाइप्स ऑफ प्रोटीन होते हैं जो कि ट्रांसपोर्टेशन का फंक्शन करेगा, राइट। स्टूडेंट प्रोटीन जो होते हैं हमारे बॉडी के सारे फंक्शन जो है वो प्रोटीन के थ्रू ही होते हैं। ओके, वो ट्रांसपोर्टेशन हो, प्रोटेक्शन हो, केमिकल रिएक्शन हो, सभी प्रोसेस में प्रोटीन इंपॉर्टेंटली वर्क करता है। स्टूडेंट यहाँ पे हम दो प्रोटीन के बारे में बात करें, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू याद रखना कि एनिमल में
कोलेजन जो प्रोटीन होता है वो अबंडेंट यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंटली होता है. देन रूबिस्को, रूबुलोज, बिस्फोस्फेट, कार्बोक्साइलेस, ऑक्सीजिनेस, ये जो होता है वो प्लांट में मोस्ट अबंडेंट है. रूबुलोज, बिस्फोस्फेट, कार्बोक्साइलेस, ऑक्सीजिनेस. ओके, तो यहाँ पे कोलाजन फॉर एनिमल एंड रूबिस्को फॉर द प्लांट, ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू इम्पोर्टेंट है. क्लियर? तो यहाँ पे स्टूडेंट आज हमने बायोमोलेक्यूल्स में माइक्रो एंड मैक्रो का डिफरेंस किया, राइट? फिर जो हमने प्राइमरी मेटाबोलाइट्स जो है उसके बारे में डिस्कस किया. स्टूडेंट मेटाबोलाइट्स में कंफ्यूज होने की कोई चीज ही नहीं है, इसमें प्राइमरी यानी कि जिससे क्या बनाओ हमारा बेसिक बॉडी स्ट्रक्चर, बट हमारी जो लाइफ को सर्वाइव करने के अलावा एक्स्ट्रा जो होता है हमारे अंदर उसे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहा जाता है. ओके, कि हम सब ह्यूमन बींग है लेकिन सबके पास अलग अलग टैलेंट होता है, राइट? तो वो टैलेंट जो सबके पास नहीं होता है पर किसी के एक पास ही होता है तो उसे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कह सकते हैं. जैसे हमने कहा कि प्लांट के पास क्या है, तो प्लांट रबर बना सकता है या अल्कलॉइड्स या समथिंग, राइट? तो वो. एंड देन हमने किया प्रोटीन. ओके, तो यहाँ पे ये दो एनिमल फॉर मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन प्लांट. क्लियर? देन स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द प्रोटीन इज अमीनो एसिड्स. हाउ मच टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स? तो देयर आर 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स. रिमेंबर दिस पॉइंट फॉर द एमसीक्यू. होमोपोलीमर यानी कि एक जैसा अमीनो एसिड से बने हो, हेटेरो यानी यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड से बने हो, और बॉन्ड कौन सा है? पेप्टाइड. ये सारी चीजें ध्यान रखना. ओके, थैंक यू.